मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्टिसिपेट इन स्कूल फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने स्टैटिक क्रम संज्ञायित्र और समांतर क्रम संज्ञायित्र किए थे उस पर आधारित तथा उसकी ऊर्जा पर आधारित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंकिक प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है, आप निम्न में से आवेश का मान तथा कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड दे रखा है। मतलब संधारित्र C1, C2, C3 का मान जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 5 माइक्रोफेराड, C2 का मान 3 माइक्रोफेराड और C3 का मान 6 माइक्रोफेराड दे रखा है। तथा उनके विभव V1, V2, V3 दिए हुए हैं और V का मान हमें दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो श्रेणी क्रम में जो होता है क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। परिभाषा से यहाँ पर Q बराबर क्या हो गया, C × V। C बराबर अगर Q/V है तो Q बराबर C × V। Q बराबर क्या हो जाएगा, 30/21 × 20। इसको जब हमने सॉल्व किया तो Q बराबर 600/21 माइक्रो कूलम। संधारित्र की जो कुल ऊर्जा है वो ये है U बराबर ½CV² तो U बराबर हाफ C का मान 30/21 × 20² मतलब 20 का स्क्वायर। U बराबर 6000/21 × 10^6 जूल। हमारे पास जो ऊर्जा का मान आया कितना आया है, 6000/21 × 10^6 जूल। C बराबर Q/V, V बराबर Q/C, V1 बराबर क्या हो गया Q/C1, तो V1 बराबर 600/21/5, इसको तो हमने सॉल्व किया 600/105। इसी प्रकार से V2 बराबर Q/C2, V2 बराबर 600/21/3 तो 600/63 दिया गया। V3 का मान निकाल दो 600/21/6 दिया गया है 600/126। प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, तो U1 बराबर हाफ C1 का मान 5 और 600/125 इसको आपको सॉल्व करना है। U2 का मान इसी प्रकार से हम निकालेंगे और U3 का मान भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। इस प्रकार से हमारे पास कुल ऊर्जा आ जाएगी तथा संधारित्र का मान कुल ऊर्जा तथा आवेश का मान भी हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। इस प्रकार से सांख्यिक प्रश्न को हल करना है।